वहीं देश भर के साथ ही कोरोना काल में अपने माता पिता खोने वाले बच्चों ने उत्तराखंड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना। इधर नैनीताल जिले में भी ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया है। ऐसे बच्चों की देखभाल अब प्रधानमंत्री केयर फंड से की जाएगी। ऐसे बच्चों का जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त खाता खोलकर 20,000 रूपये जमा कराए जाएंगे। साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए इनको आयुष्मान कार्ड भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, उच्च शिक्षा के लिए 50,000 रूपये सालाना की व्यवस्था भी की गई है। इन बच्चों की उम्र 23 साल के पार होने पर 10 लाख रुपए खाते में भेज दिए जाएंगे। नैनीताल जिले में भी पीएम केयर फंड से लाभान्वित होने वाले 5 बच्चे हैं, जिन्हें सीडीओ डॉ. संदीप तिवारी और हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला ने योजना से जुड़े जरूरी दस्तावेज सौंपे। पीएम केयर्स के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधित किया है। इस योजना में जिन बच्चों के माता पिता की डेथ हो गई थी कोरोना में, मार्च 2020 से लेकर फरवरी 2022 तक उनको लाभान्वित किया जाना है। ऐसे 5 बच्चे चिन्हित हुए थे जनपद नैनीताल के, तो इन बच्चों को स्वास्थ्य का आयुष्मान कार्ड, एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप, ये सब सुविधाएं मिलनी हैं और इनका एक संयुक्त खाता जिलाधिकारी महोदय के साथ बनाया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 20,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे और जब वो बच्चे 23 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेंगे तब उनको 10 लाख रूपया एक मुश्त मिलेगा। और यदि कोई बच्चा उच्च तकनीकी शिक्षा में जाना चाहता है तो उसको 50,000 रूपया प्रतिवर्ष का स्कॉलरशिप का प्रावधान रहेगा। हल्द्वानी मेयर जोगेंद्र रौतेला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में असहाय हुए बच्चों के लिए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक अभिभावक के रूप में बच्चों के जीवन को सुरक्षित करने का काम किया है। चिल्ड्रंस योजना का आज माननीय पीएम साहब ने उद्घाटन किया। आज सरकार को, भारत सरकार को 8 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम पुनीत कार्य पीएम मोदी जी द्वारा किया गया और इससे एक बहुत बड़ा कदम है, जिसमें कोविड के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता या अभिभावकों को खोया है उनको सबल बनाने के लिए, उनके जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पीएम साहब ने, मैं समझता हूँ कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और जब वो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण करेंगे और तब से लेकर 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक कई प्रकार की धनराशियाँ, जिसमें अनुग्रह राशि से लेकर 10 लाख रुपया एकमुश्त 23 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनको प्राप्त होगा, यह कोविड के बच्चों को दिया। और उन्होंने अपने संबोधन में एक बहुत बड़ी बात कही कि आज मैं प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच में नहीं हूँ, एक आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हूँ और उनके द्वारा जो ओजस्वी बातें उन बच्चों को कही गई, उनको एक मार्गदर्शन दिया गया, मैं समझता हूँ कि उनके आने वाले जीवन में उनके जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो बहुत सहायक होंगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।